हाय, आई एम विश्वकांत वर्मा, यू वॉचिंग मी ऑन डेली बूस्टर्स। परेशान हो गया है ये मुझसे? नहीं नहीं नहीं, थक गया है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा तो झूठ बोलने वाला है तू? नहीं नहीं। सुमूल इज अ वेरी नाइस गर्ल, शी इज अ वेरी वेल मैनर्ड गर्ल, शी इज वेरी फनी, शी इज अ वेरी गुड एक्टर। थैंक यू सुमूल। ओके माय डियर फ्रेंड, पे ऐसे अच्छा लिखा तुमने। हाय विश्वकांत, वेलकम टू डेली बूस्टर्स। थैंक यू थैंक यू। जी आई थिंक हमारी कहानी 9 महीने का लीप ले रही है, एंड जो एंड पॉइंट है लीप के पहले वाला, उसमें एक बहुत बड़ा हादसा होता है जिसकी वजह से अधिराज और काव्या की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है, और उसकी वजह से उनके बीच डिफरेंसेस होते हैं। एंड अधिराज को काव्या के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसके बाद, और रीज़न जो गुस्सा है वो बहुत ही जायज़ रीज़न है। एंड या उनकी लाइफ बदल जाएगी, उनकी इक्वेशन बदल जाएगा, उनका रिश्ता बदल जाएगा। तो हाँ, काफ़ी सीरियस ड्रामा है। जितना मैं रिवील कर सकता, वो बेसिकली एक नेता और एक ब्यूरोक्रेट की कहानी होगी, एक IAS अफसर की, एंड कैसे उनमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्लैश होते हैं, और कैसे अगर उनकी शादी सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। हाँ, अधिराज कभी भी नेता नहीं बनना चाहता था, उसे पॉलिटिक्स में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन किसी कारण वो यहाँ पे फाइनली नेता बन गया है। एंड अपने डैड के साथ उसका केमिस्ट्री भी अच्छा हो गया, उनकी इक्वेशन सुधर गई है। सो हाँ, अभी वो अपने नेता बाप जैसा नेता बनेगा कि अच्छा नेता बनेगा, मुझे पता नहीं। जी हमेशा से अपने बराबर ही समझा है, इक्वली समझा है हर एक चीज़ में। एंड मेरी लाइफ में आई थिंक हमारी जो टेलीविजन ऑडियंस है प्राइमरली वुमेन है, एंड हम बहुत ही ग्रेटफुल है कि वो हमारे शोज़ देखती है और हमारे टीवी इंडस्ट्री को इतना प्रमोट करती है, एंड हम जहाँ जहाँ भी पहुँचे हैं इज बिकॉज ऑफ द वुमेन ऑफ द टीवी इंडस्ट्री एंड द व्यूअर्स वॉचिंग इट, विच इज़ प्राइमरली वुमेन। एंड ऑल्सो मेरी पर्सनल लाइफ में टू वेरी इंपॉर्टेंट वुमेन, माई मॉम एंड माई सिस्टर, सो या दे हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन माई लाइफ। एंड या हैप्पी वुमेंस डे। सुमूल से ही पूछते, आ जाओ सुमूल, बंद करो दरवाज़ा, बंद करो, बंद करो। मुझे पूछ रहे कि सुमूल के बारे में मैं क्या कहना चाहूँगा जो हमेशा पूरे दिन मेरे साथ सेट पे रहती है। परेशान हो गया है ये मुझसे? नहीं नहीं नहीं, थक गया है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा तो झूठ बोलने वाला है तू? नहीं नहीं। बोलो बोलो। नहीं, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि सुमूल, स्पीचलेस, मैं बहुत खुश हूँ सुमूल मेरी को एक्टर है, मुझे इतनी अच्छी को एक्टर कभी मिली नहीं सकती थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सुमूल मेरी को एक्टर है। सुमूल इज अ वेरी नाइस गर्ल, शी इज अ वेरी वेल मैनर्ड गर्ल, शी इज वेरी फनी, शी इज अ वेरी गुड एक्टर। थैंक यू सुमूल। ओके माय डियर फ्रेंड, पे ऐसे अच्छा लिखा तुमने, ये हाथ रखा ना, ये भारी हाथ है एकदम। होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। वुमेन्स डे पे क्या करते हैं? क्या क्या बताया तुमने? करते नहीं है जीजा, आई मीन सो कांग्रेचुलेशंस, हाउ डू यू लुक एट वुमेन इन योर लाइफ, सो हाउ आर द मेन इन योर लाइफ? आई थिंक देयर इज ओनली वन मैन इन योर लाइफ, योर फादर। या सो व्हाट वुड यू से अबाउट हिम? आई डोंट नो, आई थिंक आई जस्ट फील दैट अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होती आज। डेफिनेटली नॉट। या एग्जैक्टली, सो मेंस डे भी होना चाहिए एक हिसाब से। मेंस डे होता है? कहाँ होता है, होता है इतना, लेकिन इतना ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है, पर उसे भी करना चाहिए। ओके, और तो बोल, अभी हम लोगों ने प्रोमो देखा है, शूट कर रहे हैं, आप क्या कुछ प्रोमो में शूट कर रहे हो? हम तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में शूट कर रहे हैं, तो आंखें जल रही हैं। उसके अलावा इंटरेस्टिंग प्रोमो है, आगे की जो भी स्टोरी होने वाली है उसका हिंट है सब लोगों के लिए, कि आगे उन्हें क्या देखने को मिलेगा, कैसा सीन, कैसे सीन्स मिलने वाले हैं, कैसी स्टोरी मिलने वाली है, कैसे कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं। हाँ ठीक है, नहीं करी ना, कैसे कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं। सो या उसके लिए आई थिंक दे हैव कॉल्ड यू, प्लीज गो।
अनमोल बाय बाय, जा रहे वेटिंग कर रहा हो गया अपना भी। थैंक यू सो मच शो देखने के लिए, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल, एंड जो आगे की कहानी है आई थिंक यू गाइस आर इन फॉर अ ट्रीट, सो थैंक यू सो मच।